और बना यदि बैठे पुष्पन भैया घर जाओ मैं नेशनल हॉकी प्लेयर हूँ और कोई सुन नहीं रहा है। हम लोगों की बहुत परेशानी है। अब ये है कि हम लोग जाते हैं बाहर जाने के लिए खर्चा निकालना पड़ता है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, अंडर 18 एशिया कप बांग्लादेश खेलने गया था, उसमें गोल्ड मेडल है। और मेरा भाई श्याम आनंद अभी यूथ ओलंपिक खेल के आया, सिल्वर मेडल अर्जेंटीना से। और हम लोग का जो सहयोग सरकार बोलती है वो पूरा कर दे तो हम लोग को ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। रोहित भाई, आज आप एक परिवार से मिले हैं, किसकी तरफ से आप आए, क्या लगा आपको? ये दो दिन पहले हमारे DIG साहब को मालूम चला था कि यहाँ पर इंटरनेशनल खिलाड़ी हॉकी के हैं और उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और वो इस दौर में भी जो है लोग स्टोव में खाना बनाते हैं। तो DIG साहब की तरफ से आज हम लोग आए हुए हैं उनको गैस का सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर सब देने के लिए। और इनके पेपर्स दो दिन बाद मिल जाएंगे। और इन्होंने बताया कि इनको बेटों के पास जूते तक नहीं है खेलने के लिए, तो वही सब व्यवस्था देखने के लिए हम लोग आए थे। स्टोव पे खाना बन रहा था। आज मेरे को लगा कि ऐसे लोग भी हैं महान जिन्होंने मेरी सुनी, प्रयास सुनी और मेरे घर पे DIG की ओर से ये गैस चूल्हा हमारे अफसर लोग लेके आए। मुझे बड़ी खुशी हुई, कम से कम मेरी सुनी तो है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का नाम तो सभी जानते हैं, जिनकी तारीफ स्वयं हिटलर ने की थी। आज उन्हीं के शहर में तीन ऐसे हॉकी के खिलाड़ी हैं जो अपने पिता के साथ गन्ना बेच रहे हैं। उनके पिता का कहना है कि बच्चों की ज़रूरतें पूरा करने के लिए कभी हमें गन्ना, कभी हमें पान की दुकान लगानी पड़ती है। झांसी से ETV के लिए रामनरेश।